हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन है। इससे पहले हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लें, उसके आगे प्रश्नों को हम लोग देख स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अ कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ए यूज फॉर पोजोलैनिक सीमेंट। तो इसमें क्या कंपेयर होता है? तो इसमें हम लोग क्या होता है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, इंक्रीज श्रिंकिंग। इन दोनों में जो पोजोलैनिक सीमेंट है और ऑर्डिनरी सीमेंट है, इसमें श्रिंकेज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एडमिक्सचर विच कॉज रियली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस किस पे डिपेंड करता है? तो ये देखिए, एक्सीलेटर जो मंदक होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मंदक। मंदक जो होते हैं, मंदक के रूप में हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं ताकि उसकी सेटिंग टाइम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम जो सीमेंट की होती है वो 30 मिनट होती है और जो फाइनल टाइम होता है वो 10 घंटे होता है। ओके, 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सचर विच प्रोलोंग्स द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम इज। तो क्या हम लोग यूज करते हैं? अभी हमने बताया कि एडमिक्सचर के तौर पर हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं जो उसके इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, द परसेंटेज ऑफ वाइट्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें सीमेंट में वाइट्स की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? तो जो वाइट्स की परसेंटेज मात्रा होती है वो 40% होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फटाफट क्वेश्चन को देखते चलेंगे और ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। 20 नंबर क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट After 1 year, the compared to 28 strength is about। तो एक साल के कंपेयर में, 28 दिन के कंपेयर में वन ईयर की स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो इसमें 20-25% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, यहाँ से करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एलमुना सीमेंट हैज। तो हाई एलमुना सीमेंट और ऑर्डिनरी सीमेंट में क्या होता है? तो हायर इनिशियल टाइम बट लो फाइनल सेटिंग टाइम किसका होता है? एलमुनियम सीमेंट का होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, यहाँ से करेक्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कॉन्क्रीट इज अ मेजर्ड बाई। तो किसकी द्वारा से हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर को मेजर करते हैं? तो विद हेल्प ऑफ फ्रैक्चुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। वर्केबिलिटी क्या, सुकार्यता, हिंदी में कहते हैं इसको सुकार्यता। द परफॉर्म शेप ऑफ एग्रीगेट इज, तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट इज, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? यहाँ पर एक सीक्वेंस में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या इफेक्ट है, टू इंक्रीज श्रिंकेज पहला, टू डिक्रीज श्रिंकेज दूसरा, तीसरा है टू इंक्रीज सेटिंग टाइम और चौथा है टू डिक्रीज सेटिंग टाइम। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी क्या है, सही होगा, यानी कि पहला और चौथा, ये आपका क्या है, सही है कि ये श्रिंकेज को इंक्रीज करता है और सेटिंग को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कौन? कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेन इज अबाउट। तो कितना मैक्सिमम होना चाहिए उसमें सैंड में मॉइस्चर, तो 4%। ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 यह है कि फाइनल ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट, तो क्या होता है इसका, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, अफेक्ट्स ओनली द ईयरली डेवलप ऑफ द स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, पॉइजन रेशियो ऑफ द कॉन्क्रीट। तो पॉइजन रेशियो जो सीमेंट का होता है वो क्या है, देखिए पॉइजन रेशियो हम कहाँ लेते हैं, वो यहाँ पे पॉइजन रेशियो क्यों लेते हैं, इंक्रीज विथ रिचर मिक्सर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है,
कि 1% ऑफ वाइड इन कॉन्क्रीट मिक्स वुड रिड्यूस इट स्ट्रेंथ बाई अबाउट। तो अगर 1% का खाली स्थान, वाइड मतलब क्या होता है, खाली स्थान अगर किसी भी कॉन्क्रीट में है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 5% स्ट्रेंथ क्या हो जाती है उसकी, रिड्यूस हो जाती है। ओके नेक्स्ट है 29 का क्वेश्चन कह रहा है कि द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ, तो इसका रेंज कितना होता है, तो इसका जो रेंज होगा फाइनल मॉडुलस का वो 2 से लेके 3.5, ऑप्शन नंबर ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 30 द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का कम होगा एज कंपेयर द कॉन्क्रीट, तो स्टील इज लोअर देन दैट्स द कॉन्क्रीट, कि कॉन्क्रीट की तुलना में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कम होता है। ओके आई होप ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बाकी जो भी इसके आगे के सेशन में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।